हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए आज साउथ की एक रेसिपी बनाते हैं। इसका नाम है शक्कर पारे। ये बाहर से गोल्डन ब्राउन और अंदर से क्रिस्पी और मुंह में रखते ही घुल जाने वाली है। इसके लिए चाहिए हमें मैदा, दूध, घी, थोड़ी सी सूजी, चिटकी नमक, पिसी हुई चीनी और फ्राई करने के लिए तेल। मैदे में हम थोड़ी सी सूजी ऐड कर देंगे, उसके बाद चिटकी नमक, उसके बाद थोड़ा सा पिसी हुई चीनी, जितना आपको मीठा पसंद है उतना आप डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और घी, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी को हम पूरे आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम दूध से ही इस आटे को गूंदेंगे। आप पानी भी इस्तेमाल कर सकते हो, मगर दूध से गोल्डन ब्राउन कलर आता है। थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हम अच्छे से आटा गूंद लेंगे। इस आटे को ना ज़्यादा सख्त गूंदना है ना ज़्यादा मुलायम, कुछ इस तरह से जैसे मैंने गूंदा इस तरह से गूंद के आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। आधे घंटे के बाद आप देख सकते हो आपका आटा अच्छे से हो गया है, और इसके हम पेड़े बना के अच्छे से बेल लेंगे। हमारी चपाती ना ज़्यादा मोटी होनी चाहिए ना ज़्यादा पतली, मीडियम साइज़ की चपाती बना के चाकू या पिज़्ज़ा कटर जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे आप कट कर सकते हो। तेल मैंने पहले ही गरम करने के लिए रख दिया था, और जिस भी शेप में आपको चाहिए उस शेप में आप कट कर सकते हो, और गरम तेल में इन्हें ऐड कर देंगे। गरम तेल में हम डालते ही ये अच्छे से हमारे फ्राई होने लगे हैं। गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमें इन्हें फ्राई करना है। इन्हें आप एक महीना तक भी स्टोर करके रख सकते हो। बच्चों के लिए तो ये बहुत अच्छी रेसिपी है और झटपट बनने वाली है। आधे से ज़्यादा चीज़ें तो घर पर ही अवेलेबल होती हैं। और फ्राई करने के बाद हमें इनको थोड़ा सा ठंडा करके, ठंडे होने के बाद इन्हें आप चेक करो कि ये बाहर से ब्राउन और अंदर से क्रिस्पी हुए हैं और मुंह में रखते ही घुल जाते हैं। मेरी इस रेसिपी को और भी रेसिपी यहाँ देखने के लिए इंडियन फूड खजाना लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।